दूसरी बड़ी खबर आपको बताएं, क्या पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतों से कुछ राहत मिल पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तेल मार्केटिंग कंपनियों के साथ एक बैठक होने वाली है। सूत्रों का यह कहना है कि इस बैठक में कंज्यूमर्स को फौरन राहत देने के उपायों पर चर्चा होगी। हालांकि तेल की कीमतों में बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी का है, इस पर फैसला वित्त मंत्रालय ही लेगा। पर सूत्रों का यह कहना है कि वित्त मंत्रालय के लिए दरअसल एक्साइज ड्यूटी घटाना तो अंतिम विकल्प होगा। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्री राज्यों से पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती की गुंजाइश कर सकते हैं। हालांकि तेल कंपनियां चाहें तो कंज्यूमर्स को राहत देने के लिए कीमतें कुछ दिन के लिए फ्रीज भी कर सकती हैं। और बढ़ती तेल कीमतों पर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के अजय बंसल का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास टैक्स घटाने का रास्ता है। और एक अच्छा स्टैंड था, सरकार ने 2 रुपया करीब पहले भी राहत दी थी और सरकार ने उससे 2 बार दे चुके हैं राहत, तो इस वक्त उसके अलावा अगर कोई चारा है तो देखा जाए, नहीं तो सरकार को ही कहीं पर टैक्स के ऊपर, राज्य सरकार बेसिकली सबसे ज्यादा राज्य सरकार को देखना होगा कि जो हायर टैक्सेस हो रहे हैं, इस सरकार का जो राज्य सरकारें हैं हमारी उनका डायरेक्ट जो है वो परसेंटेज पे बैठ है, तो अगर जो दाम बढ़ गया है तो परसेंटेज के लेवल पे उनका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ गया है, कलेक्शन बढ़ गया है, तो उस टैक्स कलेक्शन को किसी तरह वो राहत दे सकते हैं। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से कैसे मिलेगा आम आदमी को राहत, इस पर बड़ी बहस आप देखिए रात को 7:56 पर। तेल पर टैक्स उगाही का खेल कब तक रहेगा जारी?